आज मैं आपको ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड एक नोटिस आया है 1 जून को यानी कल। उस नोटिस में क्या लिखा है उसको बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ ई चलान या चलान क्या होता है उसको भी बताऊंगा, और जिसका फर्स्ट लिस्ट में मतलब फर्स्ट रिफंडेड कैंडिडेट के लिस्ट में आपका रोल नंबर है लेकिन आपका अभी तक अमाउंट बैंक में नहीं आया है आपको क्या करना चाहिए, या जिसका फर्स्ट लिस्ट में रोल नंबर ही नहीं है उसको क्या करना है उसको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको उस नोटिस को डिस्कशन कर देता हूं कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है। उस नोटिस के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपने ई चलान या चलान से पेमेंट सिक्योरिटी मनी पेड किए थे तो आपको अपना बैंक डिटेल देना पड़ेगा। अगर आपने बैंक डिटेल गिवन डेट यानी कि 2 जून यानी आज से 10 बजे से वो फॉर्म फिल होगा, आपको अपना कैंडिडेट लॉगिन करना पड़ेगा यानी कि रोल नंबर और पासवर्ड से जैसे आप लॉगिन करते थे काउंसलिंग के टाइम में वैसे लॉगिन करके अपना बैंक डिटेल अगर नहीं देते हो आज से लेकर के और 16 जून को लास्ट डेट है यानी 5 बजे 16 जून तक है, अगर इस बीच के ड्यूरेशन में मतलब इतने दिन के बीच में अपना बैंक डिटेल नहीं देते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी कभी नहीं आएगा। इसका ध्यान रखना, सही से अपना डिटेल फिल करना होगा। उस नोटिस को मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, उस नोटिस में लिखा है, काइंडली अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द रिफंड्स ऑफ EEEC UG काउंसलिंग 2020। ये क्या लिखा, इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द EEEC UG काउंसलिंग 2020 एंड मेड पेमेंट थ्रू द ई चलान और चलान। फिर क्या, सच कैंडिडेट्स शुड एंटर दियर बैंक डिटेल्स by logging into their EEEC काउंसलिंग अकाउंट। काउंसलिंग अकाउंट वही मतलब आपका रोल नंबर अपना और पासवर्ड डाल के, अगर नहीं पासवर्ड याद है तो फॉरगेट डाल के और आपको रिसेट कर देना होगा। फिर सो सिक्योरिटी मनी कुड बी रिफंडेड टू दियर रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट एज पर दियर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स और कंडीशंस ऑफ रिफंड। यानी रिफंड अगर जो एलिजिबल होंगे उनका उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी अगर आप बैंक डिटेल फिल कर देते हो। अब लिखा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग। अब क्या क्या एडवाइस है, फर्स्ट है कि एवो फैसिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम द 10 AM ऑफ 2 जून 2021 टू 5 PM ऑफ 16/6/2021। यानी कि 2 जून से 16 जून तक ये फॉर्म फिल होगी, आपको डिटेल देना है 16 जून को 5 बजे तक, ये जैसे मैंने पहले बताया। तो फिर उसके बाद लिखा है, इन केस ऑफ एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट finance@iia.gov.in, जो कि मैंने पहले कुछ वीडियोस में दिया भी हूँ, इसको भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें बस डैश है, इसमें डैश नहीं लगा, लेकिन दोनों काम करना चाहिए। डायरेक्ट क्वेरीज टू EEEC MO Ayush रिगार्डिंग द रिफंड पेमेंट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। यानी कि आपको कॉल नहीं करना है, जैसा मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि अब कॉल नहीं करना, मेल कर सकते हो आपको कोई भी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज है तो, इसका ध्यान रखना, कॉल मत करना, मेल कर सकते हो। लेकिन अब जब आप काउंसलिंग का पेमेंट कराते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं पेमेंट के लिए, जैसे कि डेबिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, बहुत कुछ आता है, UPI ट्रांजेक्शन। इसके अलावा ई चलान और चलान अलग होता है। अब चलान और ई चलान क्या होता है, देखो, जब किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन का खुद का कोई फीस स्लिप होता है उसको आपको फिल करके बैंक में जमा करना होता है, आपको कैश देना होता है उतना अमाउंट जो जितना का वो स्लिप रहता है, तो उस स्लिप को ही हम चलान कहते हैं। अब देखो, अगर आपने वो ऑफलाइन पेमेंट किया, ऑफलाइन जाकर के बैंक में जमा किया और उतना पेमेंट दिया तो वो ऑफलाइन मतलब चलान कहा जाएगा। लेकिन आपने वही काम ऑनलाइन आपने फिल किया उस ई चलान को, मतलब उस चलान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो फिल करके फिर आपने अपने नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से उस पेमेंट को किया तो उसको हम बोलते हैं ई चलान, ठीक है। तो ऐसा अब बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मतलब ऐसा किया होगा, लेकिन अभी आज जो फॉर्म खुलेगा उसमें एग्जिट समझ में आएगा कि ई चलान में अगर रेफरेंस नंबर मांगते हैं वो कि आप अपना ई चलान का रेफरेंस नंबर दो, तब तो जो किया है वही फिल कर सकता है। लेकिन अगर ई चलान का रेफरेंस नंबर नहीं मांगता है तो फिर जिसका भी फर्स्ट लिस्ट में रोल नंबर है या नहीं है, उसके अकाउंट में आया है, सॉरी अकाउंट में आ गया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में नहीं आया है तो आप अपना बैंक डिटेल आप फिल करके उसको कैंडिडेट लॉगिन होकर के जैसे मतलब बताया हूँ वैसे आप
कर सकते हो। उसमें ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा जाएगा, आपका बैंक डिटेल मांगा जाएगा, नीट का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब डिमांड हो सकती है। लेकिन वो 10 बजे से होगा, 10 बजे ओपन होगा, जो कि वीडियो पहले बना रहा हूँ इसलिए वो देखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कैंडिडेट लॉगिन करोगे, जब फिल करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इसमें रेफरेंस नंबर डिमांड है, रेफरेंस नंबर लगेगा। तो फिर आप सबको ही नहीं भर सकते, जो चलान से फिल किया होगा या ई चलान किया होगा उसको ही ये मिल सकता है। अगर रेफरेंस नंबर और डिमांड होती है उसमें फिल करना पड़ता है, तो फिर जिसके पास रेफरेंस नंबर होगा, जिसने ई चलान से फिल किया होगा, अब वही फिल कर पाएगा, दूसरे कोई भी फिल नहीं कर पाएगा। अब देखो ई चलान से डिमांड क्यों हो रही है बैंक डिटेल का, जब आप ई चलान फिल करते हैं ना उसमें आप अपना बैंक डिटेल कुछ नहीं डालते हो, जिसकी वजह से वो क्या है कि आप जब ये काउंसलिंग कमेटी है उसको जब ट्रांसफ़र करना है उसके पास आपका बैंक डिटेल नहीं है तो वो कैसे ले, तो इसलिए आपको लॉगिन करके आपको आपसे डिमांड किया जा रहा है कि आपका पेमेंट कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, रिफंड हो जाए आपका। आयुष मिस्त्री के कल के नोटिस में इतना ही कुछ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक यू सो मच।